रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति दिसंबर की ठंड में ठिठुरती हुई रूपाली का बस स्टैंड पर वेट कर रही थी। तभी लहराती बलखाती हुई रूपाली अपने बालों को संवारते हुए उसके पास आती है और प्रीति को देखकर रूपाली बोलती है, ओए प्रीति एक बात बता यार, दिल्ली की सारी सर्दी क्या तेरे ऊपर ही गिर रही है? ये क्या है इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं? तुझे सांस भी आ रहा है इन कपड़ों में? हाँ आ रहा है यार, इतनी ठंड है, कपड़े नहीं पहनूंगी इतने तो कुल्फी जम जाएगी मेरी। यार वो बात नहीं है, ठंड से तो मैं भी अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, लेकिन तेरी तरह इतना तामझाम नहीं पहनती। तू हॉटनेस की दुकान है ना, इसलिए अब तेरा ये कपड़ों का ज्ञान हो गया हो तो कॉलेज चले, लेट हो जाएंगे नहीं तो। प्रीति इतना बोल ही रही होती है कि तभी बस आ जाती है और रूपाली और प्रीति उसमें बैठ जाते हैं। रूपाली विंडो सीट पर बैठती है और थोड़ा सा शीशा खोल देती है। तभी प्रीति बोलती है, ओए पागल क्या बंद कर शीशा कमीनी। यार तू भी ना सर्दी का मजा भी नहीं लेने देती, देखना कितना प्यारा नजारा है, धूप निकली है, ठंडी हवा है, कितना खूबसूरत है सब। तेरा ये नजारा मुझे सर्दी जुखाम करवा देगा, समझी तू, अब शीशा मत खोलियो। प्रीति के बोलने पर रूपाली बुरा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाती हैं, जहां रूपाली का बॉयफ्रेंड अक्षय उसे देखकर बोलता है, हे डार्लिंग कहां रह गई थी? अरे कुछ भी नहीं, बस वाला बस स्लो चला रहा था। बाय द वे तुम बहुत ही ऑसम लग रही हो, कहने को तो गजब की ठंड है पर तुम तो एकदम कूल लुक में हो मेरी जान। ओ थैंक यू अक्षय। हाँ हाँ तेरे अंदर हीटर लगा है, तुझे तो ठंड लगती ही नहीं, हम गरीबों पर हो रही है ठंड की मारा मारी, तुम तो मस्त हो। यार प्रीति क्या है तू, मुंह बंद कर ले वरना मुक्के मुक्के मार दूंगी तेरे। अरे बस बस ठंड में मूड गरम मत करो, चलो क्लास चलते हैं। जिसके बाद तीनों क्लास में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक शाम को अक्षय और रूपाली कैफे कॉफी डे में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी अक्षय बोलता है, जान एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बोलो ना। तुम इतनी ठंड में भी इतने कम कपड़े पहनती हो, क्या तुम्हें सच में ठंड नहीं लगती? अक्षय मुझे भी बाकी सबकी तरह ठंड लगती है, बस मैं भारी भारी जैकेट और फालतू तो कुछ नहीं पहनती। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो मुझे गर्माहट भी देते हैं और बहुत लाइट वेट भी होते हैं। अरे वाह सही है फिर तो, वैसे सर्दी के मौसम में अच्छी सी छप्पी प्लस पप्पी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। अच्छा जी जरा सब्र करो। ऐसे ही दोनों कॉफी को एंजॉय करते करते ढेर सारी बातें करते हैं। दिन गुजरते हैं और ठंड भी बढ़ने लगती है। रूपाली का विंटर फैशन भी अपडेट होता जाता है, हर कोई उसके सर्दियों में कम कपड़े पहनने के राज को जानना चाहता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति रूपाली के घर आती है और रूपाली अपनी अलमारी में सर्दियों के कपड़े रख रही होती है। तभी प्रीति बोलती है, यार कपड़े तो तेरे पास भी वही है जो मेरे पास है, कोट जैकेट कोटी, फिर तुझे कम कपड़े पहनकर भी ठंड नहीं लगती और मुझे ज्यादा कपड़े पहनकर भी कपकपी बंद नहीं होती, ऐसा क्यों है? क्योंकि तू पागल है। यार मजाक मत कर, बताना प्लीज। देख प्रीति सीधी सी बात है, ठंड और शर्म जितनी महसूस करो ना उतनी ही लगती है मेरी जान, पर फिर भी जब सर्दी से बचना ही है और अपने आप को स्टाइलिश भी दिखाना है तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है यार। देख मैं तुझे बताती हूँ, तू हमेशा ना बेसिक स्किन फिट इनर पहना कर, उससे तेरी बॉडी को गर्माहट भी मिलेगी, उसके ऊपर तो स्टाइलिश टॉप कुर्ती कुछ भी वेयर कर यार, तू ठंड से भी बची रहेगी, तेरा स्टाइल भी आ जाएगा। ऐसे ही तू जीन्स के नीचे भी सेम वैसी ही लेगिंग पहन, फिर जीन्स प्लाजो चाहे तो ऊपर से लेगिंग पहन ले या कुछ भी कर ले, तुझे कहीं से भी जरा सी भी ठंड नहीं लगेगी। और पैरों में तो बूट्स या फिर लॉन्ग वाले बूट्स भी पहन सकती है और बाकी तो मफलर से अपने आप को और स्टाइलिश दिखा सकती है। ओ तेरी तो ये राज है तेरा इतना कूल लुक दिखने का, मतलब तुझे भी सर्दी लगती है, मैं तो डर गई थी कहीं तू एलियन तो नहीं है, पर तेरे सर पर एंटीने नहीं है ना? मार मार के तेरा मुंह सजा दूंगी, तू होगी एलियन। इतना कहकर रूपाली पिलो उठाकर प्रीति को मारने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियों का मौसम भी खत्म हो जाता है। अक्षय अपनी माँ मंजू को रूपाली के बारे में बताता है
जिसके बाद मंजू अपने बेटे के साथ रूपाली के घर रिश्ता लेकर आती है। दोनों परिवार वाले आपस में सलाह करके रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी तक हो जाती है। शादी के बाद रूपाली एक अच्छी संस्कारी बहू की तरह सारा काम किया करती। ऐसे ही एक दिन मंजू रूपाली से बोलती है, बहू एक बात कहें? जी माँ जी कहिए ना। वैसे तो हमको लगता था कि ये लव मैरिज अच्छी नहीं होती, पर तुम्हारे जैसी बहू शायद हम खुद नहीं खोज पाते। इतने गुण संस्कार है तुम में, सच्ची दिल खुश हो गया जब से घर आई हो। थैंक यू माँ जी। ऐसे ही दोनों सास बहू बातें करते करते घर का काम करती है और थोड़ा और समय बीतता है। फिर गर्मियों का मौसम खत्म होने के बाद सर्दियों का मौसम आता है। सर्द हवाएं चलने लगती है और मंजू ठंड से बचने के लिए 2-3 भारी भारी स्वेटर, टोपी, मफलर और हाथों में दस्ताने पहन लेती है। और जैसे ही वो रूपाली के पास जाती है तो रूपाली मंजू को पहचान नहीं पाती और बोलती है, जी आप कौन हैं और आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? अरे बहू हम हैं तोहरी सास। माँ जी आप हैं, लेकिन आप ऐसे भालू क्यों बनी हुई हैं? बहू तू देख नहीं रही कितनी ठंड है बाहर, इतना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा ना, ठंड से भी तो बचना है। माँ जी अगर ठंड से बचना है तो इतने कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, थोड़े कम कपड़े भी पहने जा सकते हैं। वो कैसे बहू? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। इतना कहकर रूपाली वहाँ से अपने कमरे में जाती है और बहुत प्यारा सा विंटर लॉन्ग कोट लेकर आती है, साथ ही कुछ और गर्म कपड़े भी लेकर आती है। जिसके बाद रूपाली और मंजू मंजू के कमरे में जाते हैं। रूपाली सारे कपड़े बेड पर रखती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए आपके लिए गरम कुर्ते और पजामिया। पर बहू मैं तो साड़ियाँ पहनती हूँ, ये सब नहीं पहनती, फिर मैं इन सब का क्या करूँगी? तो माँ जी आप ब्लाउज के नीचे काले या फिर किसी भी रंग की स्लिम फिट टी शर्ट पहनो जो आपकी साड़ी के साथ मैच हो, इससे आपको गर्माहट महसूस होगी। और ऊपर से आप लॉन्ग कोट पहन लीजिए, इससे आपकी साड़ी भी कवर हो जाएगी। और हाँ साथ में आप अपने सर पर टोपा लगा लीजिए, आपको इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह बहू तू तो बड़ी सयानी निकली, नहीं तो मैं अपने वजन से भी 2 गुना ज्यादा कपड़े पहन कर बैठी रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी आप कपड़े बदल लो, मैं नीचे आपका वेट करूँ। कुछ देर में मंजू कपड़े बदल कर नीचे आती है और तभी वहाँ अक्षय आता है और मंजू को देख कर बोलता है, क्या बात है माँ आप तो एकदम हीरोइन लग रही हो। हाँ बेटा सब तेरी बीवी की मेहरबानी है, इसी ने किया है यह सब। बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात तो है कपड़ों से तो हमारी बाहरी त्वचा ही सिर्फ ठंड से बचती है, अपनी बॉडी को इंटरनली भी हमें स्ट्रांग रखना चाहिए ताकि बदलते मौसम के साथ हम बीमार ना पड़े। हाँ बहू ये बात तो सही है, बाहर के साथ साथ अंदर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अरे यार आप लोगों की बातें हो गई हो तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी जी बैठिए ना लगाते हैं। जिसके बाद रूपाली सब के लिए चाय के साथ साथ पकौड़े भी लाती है और सब लोग सर्दी का मजा कम कपड़े और चाय पकौड़ों के साथ लेते हैं। मिही का एक बहुत ही प्यारी और चुलबुली लड़की थी जिसे गर्मियों के मौसम में काला खट्टा खाने का बहुत शौक था, जिसके चलते वो अक्सर रोजाना ही काला खट्टा खाया करती थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी सौम्या और पापा हरमन रहते थे। ऐसे ही एक दिन मिही का कॉलेज से वापस आ रही होती है कि रास्ते में उसे बर्फ का गोला बेचने वाला दिख जाता है और वो जल्दी से उसके पास जाती है और उसे काला खट्टा वाला बर्फ का गोला लेकर खाने लगती है। साथ ही खुद से कहती है, वाह इतने दिनों बाद इसे खाकर तो ना मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गई सच। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन मीका के घर की गली में काला खट्टा बेचने वाला आता है, उसकी आवाज सुनकर मीका उससे 2-2 काले खट्टे खरीद कर ले आती है और अपने कमरे में बंद करके खाने लगती है। साथ ही खुद से कहती है, अरे वाह आज तो मैंने 2-2 लिए हैं, दोनों खाऊंगी आराम से।
कितना मजा आएगा इन्हें चूस चूस कर खाने में। तभी सौम्या उसके कमरे के बाहर से गुजर रही होती है और अपनी बेटी की ऐसी आवाजें सुनकर वहीं रुक जाती है, जिसके बाद उसे अपनी बेटी पर शक होने लगता है और वो जोर जोर से मिहिका के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। मिहिका, मिहिका, दरवाजा खोल, क्या कर रही है अंदर तू? हे भगवान, कहीं मेरी लड़की किसी के साथ? नहीं 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 नहीं, क्या हो गया मम्मी, इतने जोर जोर से दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं आप? मैं ठीक हूँ, देखो मुझे, और आपने मुझे ठीक से चूसने भी नहीं दिया। क्या कर रही थी तू अंदर, और कौन है अंदर तेरे साथ? यहाँ ये तेरे होठ ऐसे लाल लाल क्यों हो रखे? सच सच बता, क्या गुल खिला रही थी तू कमरे में? अरे माँ, मैं ये खा रही थी, देखो इसीलिए मेरे जीभ और लिप्स का कलर ऐसा हो गया है। और ये मेरा कमरा है माँ, यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन मिहिका अपने कॉलेज जाती है और वहाँ अजय नाम के लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और वो फिसल कर उस लड़के की बाहों में गिर जाती है। पहली ही नजर में अजय को मिहिका से प्यार हो जाता है। आप ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, अगर आप बचाते नहीं तो सच में लग जाती। ऐसे कैसे आपको मैं लगने देता? वैसे मैं जान सकती हूँ क्या तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अजय है, और आपका? वाओ, नाइस नेम, मेरा नाम मिहिका है। हाय, नाम और चेहरा दोनों ही कमाल के हैं। अच्छा, अब तुमने मेरी जान बचाई है तो तुम्हें थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा, वो भी अपने स्टाइल में। इतना कहकर मिहिका उसे अपने साथ काला खट्टा खिलाने के लिए उस ठेले पर ले जाती है। मिहिका, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? दो मिनट रुको बस, अंकल जी दो काले खट्टे देना। तुम मुझे ये खिलाने वाली हो क्या? अरे नहीं यार, ये बच्चों की चीजें हैं। अरे तो क्या हुआ, आज मेरे लिए एक बार ट्राई कर लो ना। और तभी दोनों काला खट्टा खाने लगते हैं, जिसके बाद अजय बोलता है, सच में यार, इसको खाकर तो बचपन की याद आ गई, सच्ची। देखा, मैंने कहा था ना कि बहुत मजा आएगा खाने के बाद। इसके बाद उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और साथ ही उनकी बातों और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन अजय मिहिका को प्रपोज कर देता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों अपने अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में सब बता देते हैं। साथ ही दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को मंजूरी देकर कुछ ही दिनों में उनकी शादी करवा देते हैं और मिहिका अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाने लगती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास हेमा उसे बुलाती है और बोलती है, अरे यो करमजली, नास पीटी किधर रह गई? अरे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए कुछ बना कर ले आ। माँ जी आप 10 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ बढ़िया सा ठंडा ठंडा बना के लाती हूँ। ऐसे ही मिहिका रसोई में जाकर अपनी माँ जी के लिए काला खट्टा बनाकर ले आती है और उन्हें देती है। तभी हेमा उससे कहती है, अरे ये क्या बनाकर ले आई तू? तुझे क्या लगता है इस उम्र में मैं ये सब खाऊंगी? क्यों माँ जी, आप इसे खा नहीं पाएंगी क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस ये बर्फ का गोला मुझे नहीं खाना। तो फिर माँ जी खाइए ना। चलिए चलिए, अपनी बहू की बात नहीं मानेंगी, एक बार ट्राई करो ना। ना ना, मेरे लिए शरबत बनाकर ले आ, मैं तो वही पीऊंगी, और अपना ये काला खट्टा अपने पास ही रख दो, समझी? तभी मिहिका अपनी सास को चिढ़ा चिढ़ा कर काले खट्टे की चुस्की लेने लगती है और उसे बड़े ही मजे से खाती है। ये देखकर हेमा का मन भी करने लगता है और वो खुद काला खट्टे का गिलास उठाकर उसे खाने लगती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर काले खट्टे की चुस्कियां लेते हैं। अरे वाह बहुरिया, कितना अच्छा बनाया है तूने ये, और कितने सालों बाद खा रही हूँ मैं इसे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। सच में मैं जब छोटी थी ना तब खाया करती थी इसे। अच्छा जी,
तो फिर मैं बनाऊं आपके लिए भी एक और काला खट्टा, मुझे तो बहुत पसंद है ये। हाँ हाँ बहू, एक और बना दे, खट्टा मीठा बनाना थोड़ा। ऐसे ही मिही का और ज्यादा काले खट्टे का गोला बना कर लाती है और खुद तो खाती ही है, साथ में अपनी सास को भी बना कर खिलाती है। ये सिलसिला अगले कुछ हफ्तों तक यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक शाम अजय जब ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों ही काले खट्टे की चुस्की ले रही होती है। तभी वो उन दोनों से कहता है, अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपने भी ये खाना शुरू कर दिया? अरे इस उम्र में तो मत खाइए, वरना आपके दांतों में बहुत दर्द होगा। अरे खाने देना बेटा, बहुत ही स्वाद है ये। ये सब क्या है मीका? तुम खाती हो तो इसका मतलब ये नहीं मेरी माँ को भी खिलाओगी। अरे अजय जी खाने दीजिए ना, क्यों मजा किरकिरा कर रहे हैं? ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों सास बहू काला खट्टा खाना बंद ही नहीं करती। एक दिन काला खट्टा खाते समय हेमा का एक दांत टूटकर गोले में फंस जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है, साथ ही वो दर्द से करहाने लगती है। मीका उसे जल्दी से एक डेंटिस्ट के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर हेमा के दांत का चेकअप करके उसे मेडिसिन देता है। तभी अचानक मीका के दांत में दर्द होने लगता है और वो भी डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसके दांतों का एक्सरे करता है। इतने में हेमा अपने बेटे को फोन करके हॉस्पिटल बुला लेती है। तभी डॉक्टर चेकअप करके उन्हें बताते हैं, मिस्टर अजय, आपने अपनी वाइफ को ठंडा इतनी ज्यादा क्वांटिटी खाने से रोका नहीं था क्या? क्योंकि उनको पायरिया की शिकायत है, उनके गम्स में स्वेलिंग भी है, इसलिए उनके गम्स में से ब्लीडिंग हुई। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे दूंगा, प्लीज आप उन्हें जरूर फॉलो करवाए। इस सब के बाद अजय मिहिका से मिलने वार्ड में जाता है और बोलता है, देख लिया ज्यादा काला खट्टा खाने का नतीजा, और लेकर आऊं तुम्हारे लिए, और हाँ माँ आपके लिए भी। फिर दोनों यहीं बैठकर अपने बर्फ का गोला चूसती रहना। नहीं नहीं, अब हम कभी नहीं खाएंगे इसको। अब आएगी दोनों को समझ। इस तरह दोनों सास बहू की काला खट्टा खाने की आदत बिल्कुल छूट जाती है और दोनों अपनी डाइट को बखूबी फॉलो करती हैं, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।